नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर है सागर से। जी हां, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बहू ने नाराजगी जाहिर की है और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़ दिए। जी हां, 6 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल सिविल लाइन पर जो जनपद की दुकान है उनको लेकर ये पूरा विवाद है। प्रभारी मंत्री को खुला पत्र उन्होंने लिखा था, जिसमें प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। जनपद की दुकानों से अतिक्रमण हटाने की मांग उन्होंने रखी है। दरअसल सागर जनपद पंचायत की सिविल लाइन स्थित दुकानों में अतिक्रमण और नियम विरुद्ध संचालन होने संबंधी शिकायतों के बावजूद 3 महीने तक कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने से जनपद अध्यक्ष सविता पृथ्वी से ने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को इस बाबत पत्र लिखकर भी धरने पर बैठने की बात कही थी और आज उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। दरअसल कार्रवाई के लिए उन्होंने 6 फरवरी तक का समय दिया है और सविता से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बहू भी है। जनपद अध्यक्ष सविता पृथ्वी से ने पत्र में लिखा था कि पंचायत सागर के मालिकत्व एवं स्वामित्व की सिविल लाइन सागर स्थित दुकान है, जो कि एक्सिस बैंक के सामने एवं बीसी बगला के सामने के किराएदारों द्वारा दुकानों के अंदर तोड़फोड़ कर दुकानों के सामने अतिक्रमण करके पक्के चबूतरे बना लिए गए हैं और इस संबंध में कार्यालय से किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई है। दुकानदारों द्वारा बनाए गए पक्के चबूतरों को तोड़े जाने हेतु अनेकों पत्रों के माध्यम से कार्रवाई किए जाने हेतु आयुक्त सागर संभाग एवं कलेक्टर को लेख किया गया है, किंतु लगभग 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए जरा सविता सेन ने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन पर और मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं सविता सिंह जनपद अध्यक्ष सागर विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। सागर जनपद की दुकानों द्वारा चबूतरे बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे अन्य किराएदारों को परेशानी हो रही है और महिलाएं और बच्चियों को निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर साहब सागर द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके कारण लोगों में मेरे प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि सख्त कार्रवाई कर अतिक्रमण के लिए जिला प्रशासन को निर्देश करने की कृपा करें। धन्यवाद।